श्री नई जोशी मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महेश जोशी मुख्य सचेतक थे, उन्हें अब कैबिनेट में लाया गया है। ब्राह्मण नेता हैं, बड़े ब्राह्मण नेता हैं और अशोक गहलोत के ये स्ट्रैटेजी बनाने का काम करते हैं, रणनीतिकार उनके हैं। दो बार एमएलए रह चुके हैं, एक बार एमपी रह चुके हैं, अच्छा खासा इन्हें भी अनुभव है। मुख्य सचेतक से प्रमोट करके इन्हें कैबिनेट में स्थान दिया गया है, तो पांचवें नंबर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। जैसे कि हमने आपको बताया, 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जो सचिन पायलट, जब से सरकार बनी है राजस्थान में नाराजगी उनकी काफी बार बाहर भी उभर कर सामने आई, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। महेश जोशी, इन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, राजस्थान के बड़े ब्राह्मण नेता हैं। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, बीजेपी और जनता दल में, पहले जनता दल में भी रह चुके हैं, पहले सचिन पायलट के करीबी थे, अब आजकल अशोक गहलोत के करीबी हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पहले पायलट के करीबी थे, अब अशोक गहलोत के करीबी हैं और भरतपुर की दीग कुम्हेर से ये एमएलए हैं, टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, यानी पर्यटन मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। इससे पहले जनता दल में भी रह चुके हैं विश्वेंद्र सिंह। तो एक एक करके तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। गवर्नर हाउस से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री आज बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है अशोक गहलोत सरकार का। सचिन पायलट भी सभा समारोह में इस वक्त मौजूद हैं और मंच पे आप देख रहे हैं गवर्नर कलराज मिश्र के साथ बगल में बैठे अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह, इन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है कैबिनेट मंत्री के रूप में, टूरिज्म मिनिस्टर पहले रह चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।